हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड टेक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर के आई है सैमसंग की तरफ से। एंड यहां पर आप सभी को मालूम होगा कि सैमसंग एंड्रॉइड 11 रिलीज़ भी कर दिया है इंडिया में अभी तक अपने लेटेस्ट इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए एज अ बीटा। और यहाँ पर सैमसंग काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में जो है एंड्रॉइड 11 की टेस्टिंग चल रही है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल पाया उन स्मार्टफोन्स का, अभी मतलब लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के अलावा। बट यहां पर रिसेंटली सैमसंग ने अपने ए सीरीज़ के स्मार्टफोन के लिए टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, एंड उसका जो प्रूफ भी यहां पर निकल के आ चुका है। एंड यहां पर रूमर्स आ रहे हैं कि दिसंबर से पहले पहले ही, यानी कि नवंबर के लास्ट में बताया जा रहा है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में इस डिवाइस को One UI 3 और एंड्रॉयड 11 का जो अपडेट वो मिल जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, मतलब इससे ऊँचे मॉडल्स का अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है और यहाँ पर इस डिवाइस के ऊपर टेस्टिंग चल रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा पंकज का, जिन्होंने हमारे इंस्टाग्राम पर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए स्मार्टफोन के बारे में, कि किस स्मार्टफोन में यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, किस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सैमसंग की ए सीरीज में से सैमसंग का गैलेक्सी A30। सैमसंग ने अपने A30 के लिए यहाँ पर जो एंड्रॉयड 11 की टेस्टिंग है वो स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर इसका जो बिल्ड नंबर है वो भी आ चुका है जिस पर इसकी टेस्टिंग चल रही है। एंड यहाँ पर रूमर्स आ रहे हैं कि मतलब इस डिवाइस के लिए मतलब अगले साल से पहले ही जो है एंड्रॉयड 11 One UI 3 का जो अपडेट है वो रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मतलब सैमसंग का गैलेक्सी A50, A70 एंड A80, A19 स्मार्टफोन्स के बारे में मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। एंड यहाँ पर सैमसंग का जो गैलेक्सी A30 है वो इस चीज़ में बाजी मार गया एंड एंड्रॉयड 11 की टेस्टिंग उस पर चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है सैमसंग के गैलेक्सी A30 के यूज़र्स के लिए। हालाँकि ये भी बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है इस बार One UI 3 में कुछ जो पिछली बारी One UI 2 के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किए गए थे सैमसंग की A30 के अंदर फीचर्स में, तो वो कुछ इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड जो हमें सैमसंग के A50 के अंदर फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सभी फीचर्स हमें यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी A30 के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है सैमसंग के A30 के यूज़र्स के लिए। इवन सैमसंग के A सीरीज़ में मतलब सॉफ्टवेयर वाइज ना कम्प्लीटली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देते हैं, वहाँ पर हमें कम्प्लीटली जो फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर होता है वही थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस करके जो है हमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। हाँ, हमें एक चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है, वो है परफॉर्मेंस। हमें फ्लैगशिप के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और स्मूथनेस देखने को मिलती है और कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट स्टिल काफ़ी अच्छा और फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलता है हमें सैमसंग के A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स के अंदर। एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाइज भी हमें प्रॉपरली फ्लैगशिप की तरह ही ट्रीट किया जाता है A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को। मंथली सिक्योरिटी पैचेस में भी सैमसंग के A सीरीज़ के कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स ऐसे होते हैं जिनको कि मंथली सिक्योरिटी पैचेस भी मिलते हैं, लाइक सैमसंग गैलेक्सी A5 2017 था, A50 है एंड सैमसंग A51 भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर वो भी मंथली सिक्योरिटी पैच की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखते हैं फ्यूचर में सैमसंग क्या कुछ करता है और कब तक सैमसंग के गैलेक्सी A30 के लिए जो एंड्रॉयड 11 और One UI 3 का जो अपडेट है वो लेकर के आता है। जैसे ही अपडेट आएगा या इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर आप मुझे मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल्कुल टर्न ऑन कर लें। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।